स्नेहा रंजन चैनल में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है अंडा और आलू। मैं बनाने जा रही हूँ अंडा बिरयानी। तो दोस्तों मेरा पूरा ब्लॉग देख कर जाइएगा दोस्तों, और कमेंट में बता कर जाइएगा कैसा लगा कैसा नहीं। तो देख सकते हैं ये वाला अंडा फूटा हुआ है, तो हमारा ये फूट जाएगा, उबालते टाइम फूट जाएगा। तो देख सकते हैं मैं दिखा दे रही हूँ, लियाते समय फूट गया है। प्लस पर बैठा देते हैं उबलने के लिए, और उसके बाद हम ऐसे बनाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए, देखते रहिए, सब बारी टू बारी दिखाएंगे, बने रहिए देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों तो देख सकते हैं बिरयानी के लिए है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा इलायची है, और ये जीरा है, मरीच है, और दालचीनी, और तेज़पत्ता, इसको हम डाल लेंगे, और इसको रखेंगे पीसने के लिए सिलौट पर। तो दोस्तों चलिए इसको डालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी उबल जाए। चलिए दोस्तों इसमें हम ये ऐड कर देते हैं, ये ऐड करते हैं, इसमें ऐड कर दे रहे हैं, और ये रहा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ नमकीन बनाना है इसको थोड़ा, और थोड़ा तेल डाल देंगे, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तेल यूज कर रही हूँ। तो दोस्तों अब क्या है कि अब चावल हम इसमें ऐड करेंगे, अभी नहीं, पानी गर्म होने देते हैं तब तक के लिए, बने रहिए दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों पीसेंगे ये हम पीसने के लिए, और लहसुन इसको अलग पीसेंगे, लहसुन है ये, और जीरा मिर्च पीसेंगे, बने रहिए दिखाते हैं। और बहुत सारा काम है अभी, तो जाते हैं प्याज व्याज काटते हैं, मिलते हैं, बने रहिए है। दोस्तों देख सकते हैं इधर अंधेरा आ रहा है, चलिए हम इसको काट लेते हैं प्याज व्याज। तो दोस्तों पूरा ब्लॉग देख कर जाइएगा, अंधेरा दिख रहा है, देख सकते हैं। प्याज को भी ज़्यादा काटेंगे ताकि प्याज को बिरयानी पे छिड़कना भी हो रहता है, रखना रहता है चलाने के लिए, और अंडा में भी लगेगा, अंडा की सब्जी बनाने में। तो दोस्तों देख रहे हैं सकते हैं अंधेरा दिख रहा है, कोई नहीं, बने रहिए। मटर छमी है, दिख भी नहीं रहा है, देख सकते हैं ऐसे करके बनाएंगे वीडियो तो साफ आएगा थोड़ा। देख सकते हैं अभी रेडी कर रहे हैं दोस्तों, बने रहिए देखते रहिए, पूरा ब्लॉग देख कर जाइएगा दोस्तों। अपने प्यार दुलार से बात हमेशा ही बनाए रखिएगा मुझ पर दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा भी काम है, पूरा करके मिलती हूँ, तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए देखते रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं पानी ऐसे गर्म हो रहा है, अब इसमें हम चावल को डालेंगे। तो चावल को देख सकते हैं, इधर दिखाते हैं आपको, चावल हमने इसको धो कर रख लिया है, 5-7 मिनट हुआ है अभी, और थोड़ा देर रखते हैं, कम से कम 10 मिनट तक धो के रख लेंगे। देखिए दोस्तों ये जो मटर है ना, मटर को हम डाल दिए हैं, क्योंकि मटर ये जो है कच्चा रह जा रहा है, तो इसलिए सोचे कि उबाल लेते हैं उसके बाद डालेंगे। तो बने रहिए देखते रहिए, इसको ढक के रखेंगे। चलिए दोस्तों पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम डालते हैं हमारा 10 मिनट फूलने दी थी, पहले धोकर इसको रखी थी 10 मिनट के लिए। देखो देखिए दोस्तों अब इसको हम ज़्यादा नहीं पकने देंगे, 99% पकने देंगे, क्योंकि बाद में भी कुक करना रहता है इसलिए। तो बने रहिए, अब मसाला पीस कर मिलती हूँ दोस्तों, मैं जा रही हूँ मसाला पीसने के लिए, तो बने रहिए देखते रहिए, मसाला पीस कराती हूँ। ये देखिए गरम मसाला है, और ये जीरा मिर्च लहसुन है, पीस कर मिलती हूँ आप सबसे, बने रहिए।
देख सकते हैं मैं इधर बना भी रही हूँ, आती हूँ मिलती हूँ बन रही है। देख सकते हैं दोस्तों मैं पीस ली हूँ मसाला, लेकिन देखिए चिट्टा, और यहाँ देखिए तो दिख भी नहीं रहा सला, एकदम अंधेरा छाया हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों मसाला पीस ली हूँ, और यहाँ देखिए ये हो गया अंडा, अंडा हो गया, टमाटर है, ये देखिए देख सकते हैं क्या क्या है, टमाटर अंडा आलू मटर चटपट है, सब हो गया है। देखते हैं आलू हुआ है कि नहीं, दोस्तों आलू भी हो गया है, हम इसको निकाल लेते हैं और बने रहिए, सब रेडी करके मिलते हैं। तो देख सकते हैं चावल हो ही चुका है, ज़्यादा इसको पकने नहीं देना है, घी रहा है दोस्तों, हो गया। अब इसको हम पसा देते हैं मार, नहीं तो गीला हो जाएगा चावल। चलिए इसको हम प्याज जो कटिंग किए हैं इसको फ्राई करके निकालते हैं, हम प्याज फ्राई करते हैं पहले। इसको अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे, दिखाएंगे दोस्तों बने रहिए। इधर देखिए अंडा है, ये वाला अंडा हम इसको फ्राई करेंगे, और ये देखिए दोस्तों ये टमाटर है, इसको हम पीस कर डालेंगे, पीस लिए हैं। और मसाला है, मसाला हम क्या क्या डालेंगे दिखाएंगे, बने रहिए दोस्तों। मेरा ब्लॉग पूरा देखते रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा लगा। ये तो बहुत बड़ा हो गया है ये वाला, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, देखिएगा अच्छा लगेगा आप सबको। देखिए दोस्तों अंडा जो बोले थे फूटेगा, नहीं फूटा था। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा सेल फ्राई हो चुका है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं निकाल ली हूँ, दोस्तों देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है, तेल इसमें और डाले हैं। अब इसको अंडे को फ्राई कर लेंगे, देखिए प्याज फ्राई करने से कढ़ाई काला हो गया, इसको हम अब अंडे को फ्राई कर लेंगे, बने रहिए देखते रहे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कलर हो गया हमारा अंडा, इसको हम निकालते हैं, थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लेते हैं। इसी में आलू को भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, देख सकते हैं दोस्तों उसके बाद हम मसाला भूनेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मसाला सिर्फ भूनना है, इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा, बने रहिए देखते रहिए। दोस्तों इसको भी निकालते हैं, अभी ये भी हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं इलायची है और दालचीनी है, और ये तेज़पत्ता है, और ये हरी मिर्च तो लंबा लंबा काट लिए हैं। इधर बाबू आवाज दे रहा है दोस्तों, चलिए देख सकते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ ये हरा हल्दी पाउडर है दोस्तों, दो चम्मच, ये धनिया पाउडर है छोटा चम्मच है, ये भी डेढ़ चम्मच ले रहे हैं, जीरा तो पीसे हैं, ये रहा मरीच मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर एक चम्मच हो गया, और ये थोड़ा सा और ले रहे हैं, हो गया दोस्तों। अब इसको हम डालते हैं, इसको भूनेंगे अच्छे से, और इसमें अब टमाटर ऐड करेंगे,
काट के भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे बनाया है, देख सकते हैं। इसको डालेंगे, थोड़ा देर पकने दे रहे हैं इसको मसाले को। उसके बाद हम डालेंगे जो प्याज फ्राई किए, प्याज फ्राई किए थे दोस्तों, उसको पीस लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं इसको थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, मसाला वाला पानी है। अब इसको हम भूनेंगे अच्छे से, नमक ऐड करेंगे। यहीं बने रहिए, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे दोस्तों, क्योंकि हम चावल में भी डाले हैं नमक, इसलिए अंदाज से डालना है। अब चलिए हम इसको प्याज जो फ्राई किए थे उसको क्रश कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद डालते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं प्याज को क्रश कर लिया है। चलिए अब हम प्याज को ऐड करते हैं इसमें, रहा प्याज। और ये रहा गरम मसाला, तो थोड़ा है, तो बाद में डालते हैं इसको। टमाटर डाल लेते हैं अब, तो पानी डालते हैं। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे, डाल दिए। खुशबू बहुत सुंदर आ रहा है दोस्तों मेरे मसालों से। तो अब थोड़ा और भूनेंगे अभी, देखिए तेल छोड़ रहा है कैसे, देख सकते हैं दोस्तों कैसे तेल छोड़ दिया है। तो चलिए धनिया डाल देते हैं, डंठल वाला धनिया है। अब चलिए दूसरा काम करते हैं, दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा मसाला रेडी हो चुका है दोस्तों। चलिए इसको डालते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला है। बने रहिए, चलिए दूसरा काम हम दिखाते हैं क्या करते हैं अब। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ हम बिरयानी चावल निकाले हैं, देख सकते हैं। और इस क्या है कि इसमें ना ये मिलाएंगे, चंपई रंग हल्का सा ऐड करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों। इसको मिला के दिखाते हैं आप सबको। दोस्तों चलिए देख सकते हैं हम इसमें हम पानी डालते हैं, सब्जियों को ऐड करते हैं, बने रहिए। दोस्तों ऐड कर दिए हैं, अब इसमें हम पानी डालते हैं। दोस्तों देख सकते हैं पानी डाल दिए हैं इसमें, देख सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको हम ढक के मिलते हैं आपसे, बने रहिए। चलिए दूसरा काम दिखाते हैं, ये देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको मिलाकर दिखाते हैं आप सबको। क्या है ना दोस्तों, मेरे पास कोई है ही नहीं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए दोस्तों दिखाते हैं। इसको हम मिला लेंगे, देखिए दोस्तों अच्छे से इसको मिला लेंगे। मैं अकेले ही बना तो अच्छा भी आ जाता है इसी में। तो देख सकते हैं ये हो गया, इसमें थोड़ा सा और चावल लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा है इसलिए। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा रेडी हो गया। और दिक्कत होता है दोस्तों, तो बने रहिए, देखते रहिए। सारा काम कर ली हूँ मैं। और ये रहा इसको छिड़कने के लिए प्याज है और धनिया पत्ता है, इसको मिला लेंगे और छिड़केंगे, ऊपर से सजा देंगे, सजावट के लिए है दोस्तों। और ये है, और यहाँ है, बने रहिए, देखते रहिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, बने रहिए, मिलते हैं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा हो गया है अंडा कड़ी। तो चलिए इसको हम उतार देते हैं और बताते हैं कैसे क्या करते हैं, बने रहिए दोस्तों। देख सकते हैं करार। तो चलिए इसको हम सजा कर दिखाते हैं आपको, बने रहिए दोस्तों। देख सकते हैं मेरे पास एक चीज़ नहीं है दोस्तों, तो मैं नहीं यूज करूँगी, आपके पास होगा तो कर सकते हैं। घी दोस्तों, तो सबसे पहले हम उसको घी लगा देंगे तसली में या कढ़ाई में, जो भी मैं आप रोस्ट करेंगे सजाएंगे उसमें, तो पहले घी लगा देंगे दोस्तों। तो चलिए मैं बस नहीं है, मैं तेल यूज कर लेती हूँ और बताती हूँ, दिखाती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं
मैं तेल यूज की हूँ चारों तरफ से। और इस पर अब हम अपना सब्जियों को रख लेंगे आधा, और उसके बाद चलिए दोस्तों दिखाते हैं। बने रहिए दिखाएंगे। चलिए अब ये है प्याज वाज, ये भी रखते हैं। इस पर से चावल डालेंगे, फिर चलिए तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये हो गया। और चलिए ये है धनिया पत्ता प्याज वाज, छिड़कते हैं इस पर भी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं रेडी हो चुका है। इसको हम गैस पे मीडियम फ्लेम पे एकदम कुछ रख कर, तवा जो है तवा रख कर, उसके बाद हम इसको 2 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। दोस्तों दिखाते हैं, बने रहिए। हमने बैठा दिया है गैस को, अभी तवा गर्म नहीं हुआ है इसलिए हम तेज़ करें आँच, तवा हमारा गर्म हो जाए, उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। दोस्तों इसमें देख सकते हैं, चलिए दोस्तों बना लीजिए दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है, देख सकते हैं इसमें सांस निकल रहा है। 5 मिनट हो चुका है दोस्तों, तो चलिए हम इसको निकाल कर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ मैं निकाल ली हूँ, और चलिए आपको सबको दिखाती हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।